हमारे अगले 8 दिन जो है वो पहाड़ी इलाकों पे गुजरेंगे। यार ये पराठे ज्यादा छोटे नहीं है, इतना जबरदस्त रोड है। हम जा रहे हैं फतेहगंज से अटक की तरफ। ये देखेंगे, हम टूर पे जाने लगे हैं। मुझे साहब को भूख लगी है, अंधेरा बहुत ज्यादा आ रहा है और हम खा रहे हैं खीर। बस ठीक है, ठीक। और अभी हम निकलेंगे, सिर्फ 5 मिनट में, 4 बज चुके हैं सुबह के, और ठीक 5 मिनटों के बाद हम रावलपिंडी के लिए निकलेंगे। छड़े हम दोनों। सुबह के 5:10 और हमें घर से निकले हुए 1 घंटा 10 मिनट हो गए हैं और अब हम खुशाब के रास्ते में हैं और कोई 5 मिनट से फाटक बंद है और ट्रेन जो है वो आने का नाम नहीं ले रही और हवा चल रही है बहुत ज़्यादा और आवाज़ तो आई है ट्रेन की, मेरे ख्याल से आ गई है ट्रेन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ट्रक देखो जी कहाँ जा रहे हैं। अच्छा खुशाब इस तरफ है, किस तरफ खुशाब? अच्छा वो सामने खुशाब है और आखिरकार अल्लाह अल्लाह करके सीधा रोड खत्म हुआ और हम कट्ठे की पहाड़ी पे जा रहे हैं और जो हमें चकवाल तक लेके जाएगी। और बड़ा प्यारा व्यू है यहाँ से, मैदानी इलाका सारा नजर आ रहा है और अभी यहाँ से पहाड़ी इलाका स्टार्ट हो गया और हमारे अगले 8 दिन जो हैं वो पहाड़ी इलाकों पे गुजरेंगे। वादी के सबसे खुश आमदीद और ये है वादी का मशहूर चौक पे बस। और फतेहगंज यहाँ से है 87 किलोमीटर और हमारा नाश्ता होगा फतेहगंज 2 घंटे बाद। यार ये पराठे ज़्यादा छोटे नहीं है? फतेहगंज मेन सिटी चौक, यहाँ से हम निकलेंगे अटक की तरफ। वो सामने जो रास्ता है वो अटक जा रहा है। देखो जी भूखे बंदे बैठे हैं नाश्ते वास्ते, नाश्ते के इंतज़ार से, सुबह से कुछ नहीं खाया, सफ़र पे सफ़र किए जा रहे हैं। 250 किलोमीटर सफ़र किया हमने 6 घंटों में। नाश्ता कर लिया फतेहगंज से और सोचा चलो मोबाइल चेंज करवा लेते हैं और अब हम अटक की तरफ जा रहे हैं और अटक से फिर इंशाल्लाह हम अपर दीप तक आज हमारा स्टे करने का प्रोग्राम है। आवाज़ थोड़ी कम हो सकती है क्योंकि माइक नहीं है। चलें चलते हैं, ठीक है। इतना ज़बरदस्त रोड है, हम जा रहे हैं फतेहगंज से अटक की तरफ और कह रहे हैं कि रोड ख़राब है लेकिन पैदल लगे हुए हैं, क्या मज़े का व्यू आ रहा है।